यहाँ पर देखिए, आप देख सकते हैं कि भक्ति का जो असर है वो साफ तौर पर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। महाराज जी हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करने का हम प्रयास भी करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल हम प्रयास करेंगे। महाराज जी कैसा रहा पहला दिन? काफी लंबा दिन अद्भुत था, एक अनूठा और नया प्रयोग था और भारत के हिंदुओं में नया उबाल आ रहा। पर 100 करोड़ हिंदू वाले देश में हम 1 करोड़ हिंदुओं को जगाने के लिए रोडों पर चाहते हैं, तभी हमारा मकसद पूर्ण हो पाएगा। 100 करोड़ हिंदुओं में 1 करोड़ हिंदू भी अगर सड़क पर आ जाएंगे, इस देश में नया इतिहास लिखा जाएगा, इस देश में नई क्रांति होगी। इस देश में हिंदुओं को डराने और धमकाने वालों की दुकानें बंद होगी। आप मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे अपने घरों की शादियाँ छोड़कर यहाँ पहुँचे हुए हैं। हाँ, अभी एक लोग आए हैं जो घर का विवाह है छोड़ करके शादियाँ छोड़ रहे हैं। एक एक, एक देखिए, आप देख सकते हैं कि जो लोग भी आसपास यहाँ मौजूद हैं उनसे भी वो लगातार जो है वो अभिवादन भी स्वीकार कर रहे हैं और आगे भी बढ़ रहे हैं। और जिस तरीके से महाराज जी लगातार इस हिंदू यात्रा को लेकर सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं, लेकिन आपने कहा जवाब है उनके, हिंदुओं को, हिंदुओं की तरफ से जवाब है? चलने लगे जवाब ये सनातनी देंगे, इस देश के हिंदू देंगे, इस देश में हिंदुत्व विचारधारा रखने वाले लोग देंगे, इस देश में गीता और रामायण और संविधान पर भरोसा करने वाले लोग जवाब देंगे। इस देश में वो लोग जवाब देंगे जिन्हें राम प्रिय होगा, क्योंकि हम अपने लिए तो जी नहीं रहे, अपने लिए तो ये मेहनत कर नहीं रहे हैं। ना तो हमें राजनीति में जाना है, ना किसी राजनीति में का सपोर्ट करना है पार्टी का। इस देश के लोग जिनका जमीर जिंदा होगा वो जवाब देंगे। हिंदू आबादी लगातार घट रही है, हिंदू आबादी लगातार घट रही है, उसको लेकर किस तरह का चिंतन आपका? ये बहुत चिंतनीय विषय है। उनकी आबादी बढ़ रही है, अपनी घट रही है। हिंदुओं को तो बच्चों पर ही निर्भर नहीं रहना चाहिए, ज्यादा बच्चे पैदा करने चाहिए। तो पंडित हरिकृष्ण शास्त्री जी हैं, लोगों का अभिवादन भी वो स्वीकार कर रहे हैं और मिलते भी जा रहे हैं। देखिए, आप देख सकते हैं कि जो लोग भी यहाँ पहुँच रहे हैं उनसे उनको वो इनका अभिवादन कर रहे हैं और वो गले मिलकर कर रहे हैं। यही सामाजिक समरसता की बात जो है वो महाराज जी कर रहे हैं। तो देखिए, लगातार लोगों से बात भी कर रहे हैं, हम उनसे इस बारे में भी बात करेंगे। महाराज जी रस्ते में सबसे मिलते जा रहे हैं, यही सामाजिक समरसता को लाना है। सामाजिक बैतूल से आए, कुछ लोकल के मिलते जा रहे हैं, अगर नहीं मिलेंगे तो फिर पद यात्रा की जगह ये शोभा यात्रा हो जाएगी। हम इसको शोभा यात्रा नहीं बनाना चाहते, ये सामाजिक समरसता के लिए। क्या लगता है हिंदू राष्ट्र बनेगा? बनेगा। कितने दिन के लिए आए हो? मैं 9 दिन के लिए आया हूं। 9 दिन के लिए क्या करते हो? मैं मजदूरी फेरी करता हूं। 2 बेटे मजदूरी करते हैं, आपके जैसे एक बेटा है मेरा। ये मजदूरी करते हैं, मजदूरी छोड़ करके आए। ये देखो हिंदुओं में काका, राम राम, कैसे हो? बिजनौर बिजनौर, बढ़िया हो ना? ये मजदूरी छोड़ करके आए हैं एक आवाहन पर, एक उद्बोधन पर। निश्चित रूप से ये हिंदू जगत, आप देख सकते हैं कि तमाम जो लोग हैं जो रास्ते में मिल रहे हैं महाराज जी उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, उनसे मेल मुलाकात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि यही सामाजिक समरसता लाने के लिए उस यात्रा को निकाल रहे हैं। और बड़ी संख्या में देश विदेश के जो भक्त हैं वो यहाँ पहुँच रहे हैं और बता रहे हैं कि हिंदू एकता आकर रहेगी। कैमरा अजय तंवर के साथ शैलेंद्र सिंह, न्यूज 18, बागेश्वर धाम।